गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग सेफ्टी में हैजार्ड्स की और प्रिकॉशंस की। इससे पहले वीडियोस में हमने क्लियर कर लिया है, हमारा डिफिनेशन ऑफ स्कैफोल्डिंग हो गया है, कंप्लीटेड है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग भी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हैजार्ड्स, ठीक है। हम हैजर्ड्स के बारे में बात करेंगे। सोन मैम, अरे यस नो में कुछ बोलोगे? यस यस सर। ओके, तो हैजर्ड्स क्या होते हैं स्कैफोल्डिंग के, इसके बारे में पहले हम जानेंगे, उसके बाद में प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे, ठीक है गाइस। यस सर। तो फर्स्ट जो हैजर्ड्स वी हैव रिटन ओवर हियर, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। अब कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग का ढह जाना, गिर जाना, पहाड़ का, भाड़े का गिर जाना, ढह जाना। अब ये क्यों होगा? इसका कारण ये हो सकता है कि लूज ऑफ सॉइल, लूज ऑफ सॉइल। जब लूज सॉइल होती है या बहुत तेज हवा चलती है, वाइंड बहुत तेज होती है, या आपकी जो सरफेस एरिया है, जो सतह है, ठीक है, जिस मिट्टी पे आप इसको इरेक्शन कर रहे हैं, उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, सॉइल की कंडीशन अच्छी नहीं होगी, देन उसमें भी चांसेस होते हैं गाइस स्कैफोल्डिंग कोलैप्स होने का। समझ में आ रहा है? और बहुत ज्यादा उस पे ओवरलोडिंग कर देना, ठीक है, स्टैकिंग कर देना, बहुत ज्यादा ओवरलोड दे देना स्कैफोल्डिंग के, जो उसकी क्षमता से बाहर हो, तो ओवरलोडिंग भी जो है स्कैफोल्डिंग कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। और मेजर इश्यूज जो होता है वो आपका मेजर उससे हैवी रेन जब होता है, ठीक है, या सॉइल ऑफ कंडीशन वो खराब हो गई हो, ठीक है, सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाएगा, मतलब मिट्टी का कटाव होना जब शुरू हो जाएगा, तो ये सब सिचुएशंस में कोलैप्स होने के चांसेस स्कैफोल्डिंग के ज्यादा होते हैं, ठीक है गाइस। तो पहला हैजर्ड्स क्लियर हो गया। नाउ सेकंड इज दैट ओपनिंग विदाउट गार्ड रेल, मतलब आपका जो गार्ड रेल, मिड रेल, टॉप रेल होता है, ठीक है, वो चीज स्कैफोल्डिंग में इरेक्शन के दौरान या बाद में न लगाओ या निकल गया हो किसी चीज की वजह से। तो उसमें गाइस क्या होता है कि जब ओपनिंग विदाउट गार्ड रेल होगा तो लोग गिरने के चांसेस होते हैं, एनी पर्सन कुड फॉल फ्रॉम हाइट, तो इट इज अ बिग हैजर्ड, पर्सन कैन बी डेथ, ठीक है, उसकी डेथ हो सकती, कुड बी डेथ, ठीक है, और मेजर इंजरीज हो सकती है, ये सब सारी सिचुएशंस इसमें हो सकती है, बन सकती है ओपनिंग विदाउट गार्ड रेल। आपका कोलिजन ऑफ मूविंग व्हीकल्स टू स्कैफोल्ड, अब इसमें क्या होता है, कोई भी मूविंग व्हीकल्स हो, मतलब चल रहा है, मूव कर रहा है नियर बाई स्कैफोल्डिंग, ठीक है गाइस, नियर बाई स्कैफोल्डिंग, कोई भी मूवमेंट हो रहा है आपका व्हीकल्स का, मूवमेंट हो रहा है जो भी आपके साइड्स पे क्रेन है, हाइड्रा है, ठीक है गाइस, और आपका जो है हैवी व्हीकल्स है, लाइटली लाइट व्हीकल्स है, तो वो सब आपके स्कैफोल्डिंग के नियर बाई अगर वो मूवमेंट करेंगी तो माइट बी कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे वो एक इसमें स्कैफोल्डिंग में और आपका व्हीकल्स में टकराव होने के चांसेस हो जाते हैं, तो दैट इज आल्सो हैजर्ड, ठीक है, इट भी हैजर्ड्स है। तो ये आपका हो गया क्लियर गाइस? यस यस। हां, कोलिजन ऑफ मूविंग व्हीकल्स और टू द स्कैफोल्ड, ठीक, अच्छा, हमने इस पे भी एक चीज और डिस्कशन किया था, कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, ठीक है, कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग के जो मैंने बताया आपको कि ये सिचुएशंस होती है कि हैवी लोड्स हो जाएंगे, ठीक है, तो इसके कारण जो है वो आपका कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, और जो है आपका फॉल फ्रॉम हाइट है, फॉल फ्रॉम हाइट में गाइस क्या होगा कि जो वर्कर्स है वो फॉल फ्रॉम हाइट हो सकते हैं, वर्कर्स गिर सकते हैं गाइस, हाँ, वर्कर गिर सकते हैं, टूल्स भी आपका फॉल हो सकता है, टूल्स हुआ, वर्कर्स हुआ, मटेरियल्स हुआ, दिस थिंग्स कैन बी फॉल फ्रॉम हाइट, फॉल हो सकता है हाइट से, कुड बी फॉल फ्रॉम हाइट, तो वो भी एक हैजर्ड है, क्योंकि जब वो कुछ ही ऊंचाई से गिरेगा तो नीचे कोई भी पर्सन होगा, कोई वर्कर होगा, एम्प्लॉयज होगा, तो उसके ऊपर
हिट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, हिट कर जाएगा उसके ऊपर जो है, तो उसके ऊपर सर पे उसको चोट आ सकती है, अगर विदाउट हेलमेट है, विदाउट पीपीज है, प्रोटेक्शन नहीं लिया है तो वो इंजर्ड हो सकता है, ठीक है। देन आपका फॉल फ्रॉम हाइट होने के बाद में ये चीज क्लियर हो गई। और देखिए फॉल फ्रॉम हाइट से मटेरियल्स और आपका टूल्स कब गिरेगा, टूल्स होगा मटेरियल्स को कब गिरेगा, जब आपका इसका फोल्डिंग में टो बोर्ड, लैक ऑफ टो बोर्ड होगा, लैक ऑफ टो बोर्ड। मैंने इससे पिछली वीडियो में गाइस बताया था लैक ऑफ टो बोर्ड, जब लैक ऑफ टो बोर्ड होगा, टो बोर्ड की कमी होगी, जो इसका फोल्डिंग के प्लंकिंग होता है, प्लंकिंग किनारे किनारे जो एक हम वो लगाते हैं एक तरीके से छोटा सा एक टो गार्ड लगाकर, टो बोर्ड लगाकर, ताकि कोई भी मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स बाहर ना गिरे, क्योंकि वो गिरेगा तो किसी के सर पे और किसी के बॉडी पे इंजर्ड हो सकता है, चोट लग सकती है अगर फॉल फ्रॉम हाइट होगा। तो इसलिए लैक ऑफ टो बोर्ड, तो टो बोर्ड की जब कमी होती है, जब टो बोर्ड स्कैफोल्डिंग लगा नहीं होता, तो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स मटेरियल्स गिरने के चांसेस होते हैं गाइस, ये चीज ध्यान दें। तो लैक ऑफ टो बोर्ड और फॉल फ्रॉम हाइट में वर्कर्स गिर सकते हैं, टूल्स गिर सकता है, ठीक है, मटेरियल्स गिर सकते हैं, और टूल्स, और टूल्स क्यों गिरने के चांसेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टो बोर्ड, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टो बोर्ड के कारण जो है गिरने के चांसेस होते हैं। और फॉल फ्रॉम हाइट ये हो सकता है, फॉल फ्रॉम हाइट में से कोई बंदा गिर रहा है, कोई वर्कर गिर रहा है, तो उसका कारण हो सकता है कि फुल बॉडी हार्नेस ना दिया गया हो, और दूसरी चीज गार्ड रेल, मिड रेल, टॉप रेल अच्छे से प्रॉपरली कंडीशन में ना हो, इम्प्रॉपर सिचुएशन में हो, इसके कारण भी गिर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया एकदम, गॉट इट गाइस, एनी डाउट? ओके। इलेक्ट्रोक्यूशंस क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रॉम ओवरहेड लाइंस, ओवरहेड लाइंस जो आपके ऊपर, आपने देखा भी होगा 33 पावर लाइन सप्लाई होती है, तो बहुत सारे बोल्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका 11,000 की आपने देखा हो, 11,000 पावर सप्लाई कहीं से जाती है, कहीं 33 पावर ट्रांसमिशन के जो है बड़े बड़े वो खंभे लगे होते हैं, वो ऊपर से गए हुए होते हैं, ठीक है, या कहीं इंडस्ट्री में बड़े इंडस्ट्री है, वहाँ पे वर्क चल रहा है, तो अप्लाइंसेस के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, मशीन को चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो ओवरहेड है, ऊंचाई पर है, नेकेड वायर है, ओपन वायर है, तो वो एक खतरा है, वो खतरे को क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ओवरहेड पावर लाइन से क्या होने के चांसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस होते हैं, जैसे कि इसका फोल्डिंग पे काम कर रहे हैं, इसका फोल्डिंग के नियर बाई आसपास, अगर हम नियर बाई आसपास जो है, अगर गाइस हम ध्यान नहीं देंगे, मिनिमम 10 फीट दूरी होनी चाहिए, 10 फीट मिनिमम हमें अवे फ्रॉम द पावर लाइन्स, ओवरहेड पावर लाइन्स, हमको जो है पावर सप्लाई से 10 फीट मिनिमम दूरी रखना चाहिए, 10 फीट दूरी रखेंगे तो आप स्कैफोल्डिंग जो आप ऊपर रहेंगे, मतलब स्कैफोल्डिंग पे वर्क करते रहेंगे, तो आप 10 फीट की दूरी पर रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। यदि अगर कोई भी आप समझ लीजिए कि कोई भी आप इक्विपमेंट कंपोनेंट्स लिए हैं, एग्जांपल के तौर पे आपने स्टैंडर्ड को लिया हाथ में पकड़ा हुआ है, तो स्टैंडर्ड का आप लेंथ ऐसे पकड़ेंगे तो पाइप काफी लंबी होगी, तो हो सकता है वो पाइप और उस पावर लाइन से, ये पाइप सपोज दैट आपने ये गाइस पाइप लिया हुआ है हाथ में, ठीक है, और यहाँ से पावर हेड और सप्लाई लाइन गई हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ से सप्लाई गई हुई, तो इसमें ये आपकी पाइप टच कर सकती है, तो इट कुड बी शॉक लग सकता है, दैट पर्सन कैन गेट इंजर्ड, कैन गेट इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए हम 10 फीट की दूरी रखेंगे तो हम सेफली वर्क कर सकते हैं गाइस, क्लियर है। तो इसलिए डिस्टेंस भी हमें मेंटेन करना है और हमें केयरफुली जो है वर्क करना है, ताकि ओवरहेड पावर सप्लाई से, पावर लाइन से हम सेफ और सुरक्षित काम कर सके, ठीक है। हाँ, इनकेस वो मैं अभी प्रिकॉशंस में बता दूंगा कि इसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं, वो अलग ही बात है, अभी हजार्ड्स के बारे में आप समझ लीजिए, ठीक है, क्लियर है गाइस। डैमेज हैंड टूल्स, अनएक्सपेक्टेड हैंड टूल्स, मतलब जो भी डैमेज टूल्स हैं उसको हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, डैमेज टूल्स अनएक्सपेक्टेड, जो इसका इंस्पेक्शन निरीक्षण ही ना किया गया हो, इसका जांच पड़ताल ही ना किया हो गया और उसको यूज में लगा दिया जाए, यदि कोई व्यक्ति यूज करता है ऐसे इक्विपमेंट्स को, तो वो जो है मे बी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको चोट लग सकती है, उसको इंजरी हो सकती है,
तो डैमेज टूल्स को और अनएक्सपेक्टेड हैंड टूल्स को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सपोज दैट जैक हैमर है, अब जैक हैमर को कोई बंदा चिपिंग का काम करना है, उसको खुदाई का चिपिंग का काम करना है, ठीक है। चिपिंग में क्या होता है कि जो पिलर होता है, ठीक है, पिलर की जो पिलर होता है, पिलर उसको कॉन्क्रीट किया, तो उसकी जो कॉन्क्रीट की जो उसके मटेरियल, उसको अगर हमको रिमूवल करना है, निकालना है, ठीक हो, उसको डिमोलिशन करना है, उसको डिसमेंटल करना है, तोड़ना है उसको, तो उस वर्क को हम चिपिंग कहते हैं। उसको किसके द्वारा करते हैं, या तो मैनुअली करते हैं, या तो मशीन जो है जैक हैमर होता है, वो हाइड्रोलिक प्रेशर करके वो जो है उस चीज को तोड़ता है, उस पत्थर को, उस कंक्रीट को तोड़ देता है। तो अगर वो जो अनएक्सपेक्टेड हैंड टूल्स होगा, उसको चेक नहीं किया है किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, तो क्या चांसेस होता है गाइस, उसमें जो है जो इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, ठीक है, वो इंजर्ड हो सकता है, वो उस इक्विपमेंट्स के द्वारा वो इंजर्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग भी सकता है, क्योंकि अगर वो अनइंस्पेक्टेड होगा देन, ठीक है, क्लियर है। अब आपका लास्ट है इसका फोल्डिंग इरेक्शन ड्यूरिंग स्टॉर्म हाई विंड्स एंड रेनिंग। अब इसका फोल्डिंग जो इरेक्शन निर्माण हम करते हैं, बहुत ज्यादा तेज हवा के दौरान जब होता है तो वो रिस्क होता है, तब कोलैप्स होने के भी चांसेस होते हैं, जो उस पर वर्क कर रहे हैं उनको भी हजार्ड्स का खतरा होता है। तो ड्यूरिंग स्टॉर्म और हाई विंड्स और रेनिंग के सिचुएशन कंडीशन में अगर यदि कोई इसका फोल्डिंग इरेक्शन किया जाता है, तो हजार्ड्स को क्रिएट कर रहा है, हजार्ड्स को जो है दावत दे रहा है, हजार्ड्स को जो है वो समझ लीजिए जो इन्विटेशन दे रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इस दौरान ड्यूरिंग द स्टॉर्म हाई थंडर स्टॉर्म होता है, बहुत ज्यादा बादल में आवाज होती है, ठीक है, उस सिचुएशन में बहुत तेज हवा भी जब चले, और वेदर कंडीशन जब आपके फेवर में ना हो, जो वेदर की कंडीशन है आपको फेवरेबल ना हो, आपके साथ आपकी जो कंडीशन है आपकी मतलब वर्क करने की, और वेदर कंडीशन जो है खराब हो, बैड वेदर कंडीशन हो, तो फेवर में नहीं है आपके, तो उस दौरान आपको इरेक्शन नहीं करना चाहिए। बाकी हजार्ड्स ये है, ठीक है, ये हजार्ड्स के में ही आते, कम्स इन हजार्ड्स, ओके गाइस। अब हम आते हैं प्रिकॉशंस के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में हम जान लेते हैं गाइस। प्रिकॉशंस क्या होता है, देखिए प्रिकॉशन आपने देखा होगा, कॉशन, तो कॉशन का मतलब होता है सावधानी, एहतियात करना, और प्री का मतलब होता है पहले, तो पहले से ही एहतियात कर लीजिए, एहतियात करना प्रिकॉशन का पूरा शब्द होता है, एहतियात करना, बच बचाव करना, ठीक है, अपने के साथ साथ लोगों को भी बच बचाव करना, ये होता है प्रिकॉशन। तो पहला पॉइंट है जो एहतियात जो करना है, जो हमें प्रिकॉशंस देने हैं, जो प्रिकॉशंस लगाने हैं, ठीक है, हैजर्ड्स तो आपने समझ लिया गाइस, ठीक है, और प्रिकॉशन भी जानना बहुत जरूरी है ताकि उसका जो है कंक्लूजन निकल सके। अवॉइड द इरेक्शन ऑफ स्कैफोल्डिंग ऑन लूज सॉइल, ठीक है, हमें लूज सॉइल के दौरान अवॉइड करना है, क्या अवॉइड करना है, इरेक्शन को, स्कैफोल्डिंग इरेक्शन को अवॉइड करना है लूज सॉइल पर, क्योंकि लूज सॉइल होगी आपकी सरफेस जो है लूज होगी बारिश के कारण यदि किसी चीज के कारण, तो आपका जो है कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग हो सकता है। तो ये प्रिकॉशन में हमें अवॉइड करना, इरेक्शन नहीं करना, कोई निर्माण नहीं करना है स्कैफोल्डिंग का लूज सॉइल के द्वारा, ठीक है। एंड अवॉइड द स्टैकिंग ऑफ लोड ऑन स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग पे बहुत ज्यादा लोड इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि एक्सेसिव लोड जो गाइस होता है, बहुत अत्यधिक लोड जो है वो कोलैप्स करने के चांसेस होते हैं स्कैफोल्डिंग के, क्योंकि उसकी क्षमता के से ज्यादा आप उस पर लोड डालेंगे, देन योर स्कैफोल्ड विल बी कोलैप्स्ड, गिर जाएगा, ढह जाएगा, फिर वो एक बड़ा हैजर्ड्स हो जाएगा, और लोगों को बहुत बड़ी इंजरीज हो सकती है, डेथ हो सकती है, बहुत चीजों का सामना यू विल हैव टू फेस करना होगा, ठीक है, अगर आप इस चीज को इग्नोर करके चलेंगे तो। इसलिए प्रिकॉशंस को हमें बहुत जरूरी, जिस तरीके से आप हैजर्ड जान लेते हैं, उस तरीके से हमें गाइस प्रिकॉशंस को भी जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। प्रिकॉशन हम जानेंगे तभी हम किसी चीज का जो है निवारण कर सकते हैं, ठीक है, उसको ठीक कर सकते हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अवॉइड द स्टैकिंग ऑफ लोड ऑन स्कैफोल्डिंग, बहुत ज्यादा इकट्ठा लोड करने की हमें जरूरत नहीं, स्टैकिंग नहीं करना है स्कैफोल्डिंग के ऊपर, प्लांकिंग के ऊपर, क्योंकि वो जब ज्यादा वेट होगा तो वो कोलैप्स करने के चांसेस हो जाएंगे। आपका
सेकंड है आपका वेरिकेट द वर्किंग एरिया और प्रोवाइड सेफ्टी साइन बोर्ड। यहाँ पे हमने बताया था कोलिजन ऑफ मूविंग व्हीकल्स टू स्कैफोल्डिंग, तो इसका यहाँ पे प्रिकॉशन हो गया वेरिकेट द वर्किंग एरिया, मतलब जहां पे आपकी आपका स्कैफोल्डिंग जहां पे निर्माण हुआ है, जिस जगह पे आपने इरेक्शन किया हुआ है गाइस, वहां पे जो है उसको उस एरिया को हमें वेरिकेट कर देना। हम वेरिकेट करेंगे तो कोई भी व्हीकल्स को पता चल जाएगा कि एरिया वेरिकेट है, हमें यहाँ पे इंटर नहीं करना है। और साइन बोर्ड हमें लगाना, उसमें लिख देना है कि स्कैफोल्डिंग इरेक्शन इज गोइंग ऑन, वर्क इज गोइंग ऑन, डू नॉट इंटर ओवर हियर, हमें यहाँ इंटर नहीं करना। इस तरीके से साइन डेंजरस की कुछ साइन डाल देने हैं, और स्कैफोल्डिंग निर्माण हो रहा है तो वर्क इन प्रोग्रेस, मैन एट वर्क, इस तरीके से साइन बोर्ड्स होते हैं गाइस। जब आप कंपनीज में जाएंगे काम करने के लिए, देन आपको उस तरीके साइन बोर्ड, मैन एट वर्क, कॉशन की सावधानी बरती है यहाँ पे, डू नॉट इंटर, स्कैफोल्डिंग इरेक्शन इज गोइंग ऑन, वर्क इन प्रोग्रेस, काम प्रगति पर है, इस तरीके से बहुत चीजें आपको एज ए साइन बोर्ड मिलेगी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है।